इस दुनिया को शून्य का तोहफा भारत ने दिया और वही शून्य आईसीसी ने अब पाकिस्तान को भी दे दिया है। पूछा गया कि भाई आईसीसी की टीम्स ऑफ द ईयर में कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो दूर कहीं से आवाज आई, एक भी नहीं। मेरा नाम दीपेश है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाइन। हर साल की तरह इस बार भी नया साल आते ही आईसीसी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 2023 की बेस्ट टीम्स घोषित की। इसमें टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल की टीमें होती हैं। सबसे पहले आईसीसी ने 22 जनवरी को टी20 टीम का ऐलान किया, जिसका कप्तान भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, लेकिन इस टीम में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसके एक दिन बाद यानी कि 23 जनवरी को वनडे और टेस्ट टीम का भी ऐलान हो गया। इसमें वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा को दी गई। वहीं इस टीम में भारत के कुल 6 खिलाड़ी शामिल किए गए, लेकिन यहां भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चुना गया। अब बात टेस्ट की। आईसीसी की टेस्ट टीम की कप्तानी पैट कमिंस के हाथों में दी गई। यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज नहीं थे, लेकिन इसमें भी भारत के 2 खिलाड़ियों ने जगह बना ली, लेकिन पाकिस्तान का यहां भी कोई खिलाड़ी नहीं, यानी कि किसी भी टीम में पाकिस्तान का खिलाड़ी जगह बना पाने में नाकामयाब रहा। अब कहने को तो पाकिस्तान में बाबर आजम को किंग माना जाता है, वैसे ही जैसे पूरी दुनिया में विराट कोहली को माना जाता है, लेकिन बाबर और विराट का लेवल कहाँ है, आपको इस बात का अंदाज़ा इसी से लग गया होगा कि पाकिस्तान का ये खिलाड़ी किसी भी टीम में अपनी जगह तक बना पाने में नाकामयाब रहा। पाकिस्तानी टीम के लिए पिछला साल बेहद ही खराब रहा। टीम एशिया कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंची और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी बहुत दूर रही। सिलसिला यहीं नहीं थमा। इसके बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी त्यागने का फैसला किया। शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी दी गई, वहीं शाहीन शाह अफरीदी टी20 के कप्तान बने। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 3-0 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारी। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 4 टी20 मैच हारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को अपनी पहली जीत मिल पाई। तो पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। ऐसे में ये कब तक चलेगा, इसकी खबर तो किसी को नहीं। बहरहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स 9 के साथ। धन्यवाद।